हेलो एवरीवन, माय नेम इज कैरोलोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्लास नाइन्थ के एग्जांपल्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें हमने जो है इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एग्जांपल 8.4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो की है 8.5। एग्जाम्पल 8.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में आपके उसके नाइन्थ क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। देखिए क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है स्टार्ट हुई फ्रॉम रेस्ट से, याद रखिएगा रेस्ट, ठीक है। अटेन्स अ वेलोसिटी, अटेन करती है एक वेलोसिटी ऑफ कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, इन 5 मिनट्स, यहाँ पे हमें मिनट्स गिवन है, नॉट सेकेंड, नॉट मीटर पर, ठीक है, मीटर में नहीं है वो हमारा, ये मिनट में है, सेकेंड्स में नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है मीटर पर सेकेंड में आंसर लाना होगा और यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है हमारा यूनिफॉर्म है, हमें फाइंड करना है द एक्सेलरेशन। एक तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक एक्सेलरेशन निकालना है, और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया उसने बाय द ट्रेन के द्वारा कितना हुआ, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे यहां पर, गिवन दैट करके, ओके, गिवन दैट करके लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन कितनी दी हुई है हमें इनिशियल वेलोसिटी, देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट मतलब जीरो, जीरो किलोमीटर पर आवर दी हुई है, जीरो किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे आंसर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जीरो का मतलब जीरो होता है, ओके। उसके बाद क्या है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी होगी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना होगा। देखिए मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ एक बार और, देखिए 1 किलोमीटर जो होता है हमारा कितना होता है 1000 मीटर्स होते हैं, ओके, और एक घंटे में, एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, याद रखिएगा, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, एक घंटे में 1 आवर इज व्हाट 3600 सेकंड्स हो गए, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ओके, ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखनी है याद कि ये ऐसे होता है, यहां पर नहीं करना है एग्जाम में जब आएगा, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए 72 किलोमीटर है तो 72 इंटू हम 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए इसको काटते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, ठीक है, भारचिक 72, तो ये कितना हो गया हमारा 3 दूनी 6 20 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा इसका, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन, उसने टाइम कितना लिया, टेक कितना लिया 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स तुम जानते हो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, अभी हमने देखा था 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 into 60 कितना हो गया 300 सेकंड्स हो गए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने सारी चीज कन्वर्ट कर ली, ओके, अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट केस में द एक्सेलरेशन, यू नो दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस u अपॉन t। अब हमारे पास
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आप ऐसे लिख लीजिएगा चाहे तो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली अभी कितनी आई 20, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और टाइम हमने कितना निकाला है 300, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2/30 मतलब 1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है तो इसको इतना ही रहने देते हैं। ओके, हमारे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीट हो गई, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना निकाला और फाइनल वेलोसिटी आप याद रखिएगा, उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जो हमारे तीन फॉर्मूलाज होते हैं आपने देखा होगा, एक तो होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट होती है जिसमें हम निकालते हैं कैसे ग्राफ के थ्रू, तो और एक और होता है इसका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद निकालते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो हमने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेज हैं जिसके थ्रू हम जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इस इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ये वाला जो है सेकंड इक्वेशन जो है ऑफ मोशन हम ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, हम इससे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो निकालनी थी हमें, तो डिस्टेंस क्या इज व्हाट, डिस्टेंस इज व्हाट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली थी, देखो 0 प्लस हाफ इंटू में ए हमने कितना निकाला था 1/15 और टाइम हमने कितना था 300 सेकंड्स, हमने कन्वर्ट किया था 5, ठीक है, इनटू में 300 सेकंड्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, याद रखिएगा 300 सेकंड्स टाइम जो है स्क्वायर उसका, तो हमने इसको दो बार लिख दिया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 × 30 इनटू में 300 × 300। अब इसको हम काटेंगे यहां से तो कितना हो गया 10 × 300 तो 3000 कितना हो जाएगा, ये मीटर में आएगा। ओके, 3000 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस निकल करके आ गया, तो s इज इक्वल्स टू व्हाट 3000 मीटर। अब हम 3000 मीटर को किस में लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर मैं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड की रिक्वायरमेंट का। हालांकि हम इससे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे पुट करिए वैल्यूज तो यहाँ से भी 100% इतना ही आएगा, तो ये हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक का, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी बुक का एग्जांपल 8.6 क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार जो है चलना स्टार्ट हुई यूनिफॉर्मली फ्रॉम से 18 किलोमीटर पर आवर से टू 36 किलोमीटर पर आवर तक वो चली गई, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हमें सेकेंड्स में गिवन है और यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपके इस वाले क्वेश्चन की, द एक्सेलरेशन निकालना है हमें सबसे पहले, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द कार। तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप जो है चीजों को लिख लिया करिए जो दी हुई होती है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना दिया हुआ है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है।
अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई, मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर इज व्हाट, 1000 मीटर, 18 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, कितना 3600 सेकंड्स होते हैं, ये हमने कट कर दिया है यहाँ पर 180 अपॉन 36, ओके। कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई कार की, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ये कितना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हमें चेंज करना होगा 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको हम काटेंगे तो 10, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम टेकन, बाय द कार कितना है हमारे पास 5 सेकेंड्स का दिया, ऑलरेडी हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, हमें इसके अंदर इसको पुट करने देनी है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे अपॉन टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली 5 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हमारे कंप्लीट हो गई, अब सेकंड देखते हैं यहीं से ही, ठीक है सेकंड देखते हैं हम। मैंने आपको तीन वो बताए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन लॉज, ठीक है, वो क्या कहते हैं हमारे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैं इसको नेक्स्ट तरीके से करता हूं, s इज इक्वल टू, सॉरी एस नहीं, थर्ड लॉ से देखिए क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, मैं आपको इससे निकाल के दिखाता हूं, ओके। हमें यहां से एस निकालना है, एस डिस्टेंस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। अब हमारे पास वी कितना है हमारे पास, देखो 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं, होल स्क्वायर माइनस 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और a कितना निकाला था हमने 1, इसको हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो 100 माइनस 25 अपॉन में 2 मींस 75 बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 2 3 6, ठीक है, इतना इसका आंसर निकल के आ गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सॉरी सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कितना है हमारे पास 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड था हमारा, ठीक है, ये हमने निकाल दिया इसका आंसर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं और ज्यादा कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल बची है 8.7, वो भी इसी वीडियो के अंदर, हालांकि लंबी हो जाएगी, इट्स ओके करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या कहने की कोशिश की गई है कि हमें जो है ब्रेक अप्लाई किए, प्रोड्यूस कर रहे हैं हमने एक्सेलरेशन ऑफ कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स ये नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन यहाँ हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, अगर कार जो है टेक्स ले रही है 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, हमें यहाँ पे जो है डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस। ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसको करने का तरीका देखो क्या है,
सबसे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पर इसने क्या करा है कि हमें ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें वो फाइंड करनी है। ओके, प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन 6 m/s² देता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ ऑफ मोशन के, वो नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव शो कर रहा है। और वो कितना लेता है टाइम, 2 seconds आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाई किए तब उसके बाद। देखिए कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे इसको सॉल्यूशन, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी गिवन दैट, मैं आपको हमेशा समझाता हुआ आ रहा हूं, आप ये जरूर लिखा करिए क्वेश्चन में जो चीजें लिखी हुई है उसको लिखा करिए। तो एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 6 m/s², 6 m/s², बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो नेगेटिव हम इसको लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है टी, हमें टाइम जो दिया हुआ है इसके अंदर वो दिया हुआ है 2 seconds का, ठीक है। हमें यहां पे देखिए, हमें ना तो यू मालूम है, बस यू हमें निकालना है, लेकिन हमें वी मालूम है, वी कितना है हमारा 0 m/s ही रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहां पे ए गिवन है, टी गिवन है, वी गिवन है, लेकिन यू नहीं है। यू हमें चाहिए क्यों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू हमारे पास गिवन नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे, दो दो क्वांटिटीज अननोन हो जाएंगी हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, देखिए वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है v बराबर यू प्लस ए टी, हमारे पास v भी यहाँ पे है, u नहीं है, निकालेंगे a भी है और t भी है, तो v कितना है हमारे पास 0 है, u प्लस a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है माइनस ऑफ 6, और t कितना है हमारे पास, t है 2 seconds, तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए u प्लस माइनस ऑफ 12, सॉरी माइनस ऑफ 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस ऑफ 12 इज व्हाट 0, तो u बराबर कितना हो गया 12 m/s हमारा आंसर इसका, यानी कि क्वेश्चन का जो है u हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करना था हमें डिस्टेंस, तो कैलकुलेट हमें करना था डिस्टेंस, तो यहां तक हमने निकाल लिया इसको, कैलकुलेट करना था हमें डिस्टेंस, तो हमने यू भी निकाल लिया, कितना आया है 12 m/s, वी कैन यूज दी सेकेंड, वी कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है हमारी क्या होती है, देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। हालांकि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ले सकते थे, तो s इज इक्वल्स टू यू कितना निकाला है हमने, यू निकाला है 12 इंटू में t कितना दिया हुआ है हमें टाइम 2 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है माइनस ऑफ 6, और टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू में 4, तो इसको यहां से हम काट देंगे 2 आ गया है, तो s इज इक्वल्स टू 12 × 24 माइनस 12 कितना हो गया, ये s इज इक्वल्स टू 12 कितना आएगा मीटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा इसका, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आए होंगे, एग्जांपल्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब मिलते हैं आपसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।